पूरा विश्व कोरोना संकट से जूझ रहा है, भारत भी कोरोना काल से बेहाल है। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का असर है, राजधानी रायपुर में भी कोरोना से जंग जारी है। ऐसे में जरूरी है कि इस जंग में लोगों को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाए और नगर निगम क्षेत्र रायपुर में लोगों को सुरक्षित रखने की पहली जवाबदेही शहर के प्रथम नागरिक की है, उस प्रथम नागरिक की जिसे हम महापौर कहते हैं। तो आज हमारी इस खास पेशकश में जानेंगे कि आखिर किस तरह से महापौर एजाज ठीबर लड़ रहे हैं रायपुर में कोरोना की जंग, राजधानी वासियों को सुरक्षित रखने के लिए किस तरह से कर रहे हैं काम, कैसे होती है महापौर की सुबह, कैसे कट रही है रातें, कैसी है उनकी दिनचर्या, अब तक क्या क्या उन्होंने निगम क्षेत्र में किया है और क्या है भविष्य को लेकर प्लान, देखिए कोरोना से जंग महापौर के संग। वो कहा जाता है ना कि मुसीबत के वक्त में लोगों की पहचान होती है और कोरोना वायरस कई देशों के साथ भारत के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो रही है। ऐसे वक्त में लोगों की मजबूरी है कि वो घर में दुबक के रह रहे हैं और पूरे देश में लॉकडाउन है, तो ऐसे में ये हिदायत दी जा रही है कि आप घर में रहें और अपने काम को घर से ही संपादित करें। ऐसे वक्त में शहर के प्रथम नागरिक महापौर एजाज ढेबर आपके लिए क्या कुछ कर रहे हैं आज, इससे जानने के लिए आज हम दिन भर सुबह से शाम तक उनके साथ रहेंगे और पल पल की खबर आपको अपडेट करेंगे कि वो अपनी जिम्मेदारी किस तरह से निभा रहे हैं। ये तस्वीर सुबह सुबह की है, उस वक्त जब लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे होते हैं, घर पर वार्म अप कर रहे होते हैं, तो महापौर सब्जी के बाजारों में होते हैं। महापौर यह देख रहे होते हैं कि कोरोना संकट के बीच व्यवस्थाएं बेहतर तरीके से संचालित हैं या नहीं। ये नजारा WRS मैदान का है, यहाँ महापौर सब्जी बाजार का निरीक्षण करने पहुँचे हैं। इसी तरह वे हर सुबह करीब 2 घंटा अलग अलग स्थानों पर लगे सब्जी बाजारों का अवलोकन करते हैं। वे लोगों से बात कर उनकी समस्याओं को सुनते हैं, सब्जी विक्रेताओं से बात करते हैं, वे लोगों को कोरोना संकट के प्रति जागरूक भी करते हैं, सरकार की दिशा निर्देशों को लोगों तक पहुंचाते हैं। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं WRS मैदान में, जहां बाजार बिठाया गया है और महापौर यहां भी पहुंचे हैं निरीक्षण करने के लिए। यहां अभी आपने घूमा देखा, क्या समझ में आया यहां पे, जो एडवाइजरी जारी किया गया है उसका पालन हो रहा है? निश्चित तौर पर यहाँ पर भी पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है और जिस तरीके से शासन के जो दिशा निर्देश है उसका भी पालन हो रहा है। लोग मास्क भी अनिवार्य रूप से पहने हैं और सबसे अच्छी बात है कि व्यवस्थित बाजार है, लोग बढ़िया इजी स्मूथ में बढ़िया खरीद रहे हैं, सब्जी वाले बेच रहे हैं, तो एक अच्छा मतलब व्यवस्थित बाजार आप बोल सकते हो इसको भी। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया आ रही है, अभी आपने सबसे बात कर रहे देश बात की है उनसे, उनकी राय ली है? देखिए प्रतिक्रिया अच्छी है, बेचने वाले की भी और खरीदने वाले की भी। सबसे बड़ी बात जो वहाँ पर जो सब्जी के जो भाव थे वो सब्जी के भाव यहाँ पर भी हैं, कहीं पर भी ओवर रेट नहीं है, सब्जी लोग अपना आराम से उसी रेट में बेच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है जो खरीदार है वो बहुत खुश है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आप ऐसे भीड़ भाड़ इलाके में जा रहे हैं, कौन सा व्यक्ति कैसा है वो अभी हम भी नहीं जानते, कोई भी नहीं जान रहा है, तो अपने सुरक्षा कैसे कर रहे हैं, चूंकि आप यहाँ अपने जिम्मेदारी निभाए हैं ने पहुँच रहे हैं, तो अपनी सुरक्षा कैसे कर रहे हैं? देखिए शहर का प्रथम व्यक्ति होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि पहले शहर पूरी तरीके से सुरक्षित रहे, उसके बाद फिर मेरा जो होता हो ये जरूर है कि मैं सब तरफ जाता हूँ तो एकदम निडर होके जाता हूँ, तो मगर मुझे मेरे पर बहुत बड़ी जवाबदारी है शहर का प्रथम व्यक्ति, शहर का महापौर होने के नाते मेरा ये कर्तव्य है कि पहले मैं शहर की सेवा करूँ, और शायद इसलिए मैं इतना घूमता हूँ और लोगों के बीच में जाता हूँ। लोगों के बीच में जाते हैं तो अपने बचाव के लिए कैसे, क्या ऐसा गतिविधियां अपनाते हैं जिसे लोग भी अपनाए कि अगर वो भीड़ से आ रहे हैं तो अपने घर से जाने से पहले और या भीड़ में रहते वक्त? देखिए मैं सबसे पहले तो मास्क अनिवार्य रूप से पहनता हूँ, उसके बाद जितने लोगों से जहाँ जहाँ बैठता हूँ, जब जब मैं कार में बैठता हूँ तो हाथ को अपने सैनिटाइज करता हूँ लगातार, मतलब गाड़ी में भी बैठे रहूंगा तो 2-3 बार हाथ को सैनिटाइज, जो करीब 19 सेकंड 20 सेकंड तक जो करते हैं सैनिटाइज, वो पूरा अपने हाथ को सैनिटाइज करता हूँ और लगातार मैं शायद इसलिए इस तरीके का मैं काम को करते रहता हूँ। आप जाहिर सी बात है सुबह से आप घर से निकले हैं, अब घर जाएंगे फ्रेश होकर फिर अन्य काम पे लिए निकलेंगे, तो घर जाते हैं तो किस तरह की प्रक्रिया अपनाते हैं, जैसे अभी आप घर जाएंगे?
तो क्या प्रक्रिया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने अभी अपने घर से अपने जो मेरा जिसको बोलते हैं संसार, उसको मैंने अभी एकदम अलग कर लिया है। तो मैंने अभी अपना रूम को अलग कर लिया है। पहले मेरे रूम अभी पत्नी के साथ में भी मैं हम लोग जो साथ में भी हम लोग नहीं रहते, हमने अपने रूम को अलग कर दिया है, अपने खाने पीने को सामान को अलग कर दिया है, सब चीज मैंने पूरी अलग कर ली है। अपनी बच्ची से अभी आज मेरे ख्याल से 17-18 दिन हो गया मैंने उससे उसको मैंने अभी तक अपने, बल्कि ज्यादा दिन हो गया अभी अपनी बेटी से भी नहीं मिला हूँ। तो शायद यही सब कारण है कि मैं चाहता हूँ कि जो अगर कुछ हो तो मेरे को, मेरे परिवार को ना हो, परिवार की सुरक्षा के लिए मैं ये सब करता हूँ। तो अभी आपने महापौर से सुना, जो लगातार सुबह उठते हैं, उसके उठने के बाद वो पहले बाजारों का निरीक्षण करते हैं कि कितने बाजार हैं, क्या है वहाँ, क्या जो दिशा निर्देश जारी किया गया है उसका पालन हो रहा है कि नहीं। तो इस तरह लगातार रोज का इनका दिनचर्या है कि पहले वो बाजारों का निरीक्षण करते हैं, उसके बाद घर में जाकर दूसरे काम के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं। महापौर एजाज खेबर हर सुबह अपनी दिन की शुरुआत इसी तरह करते हैं। नाश्ता करने से पहले वे आधे शहर का भ्रमण कर चुके होते हैं। घर लौटने के बाद स्नान ध्यान के बाद फिर नाश्ता करते हैं और फिर ढेर सारे लोगों का फोन अटेंड करते हुए घर से बाहर निकल पड़ते हैं। रास्ते में ही अधिकारी कर्मचारियों से मिलते जुलते निगम के कामकाज की समीक्षा करते जाते हैं, फाइलों को देखते उसे निपटाते जाते हैं। यह दैनिक कार्यवाहियां जारी रहती हैं। इस समय महापौर कोटा स्थित वृद्ध आश्रम में हैं। दरअसल कोरोना का सबसे अधिक प्रभाव बुजुर्गों पर ही पड़ रहा है, ऐसे में बुजुर्गों को सुरक्षित रखना महापौर की नैतिक जिम्मेदारी है। वे अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करते हुए हमें दिख भी रहे हैं। वृद्ध आश्रम पहुंचने के बाद जब वृद्ध जनों से महापौर मिले तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। भावुक करने वाला यह पल बहुत ही मर्म स्पर्शी था। वृद्ध जनों के लिए महापौर उसके अपने बेटे जैसा ही तो है, जो संकट की इस घड़ी में सुध लेने पहुंचे हैं। जिन औलादों को जन्म दिया वे अपने होकर भी अपने नहीं रहे, लेकिन महापौर हर एक से उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेते हैं, मिलने वाली सुविधाओं के बारे में चर्चा करते हैं, कोरोना से बचने के लिए बरती जाने वाली सुविधाओं के बारे में बताते हैं। महापौर उनसे क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। वृद्धाश्रम या जितने भी आश्रम है, मेरे नजर में ये एक मंदिर है। लोग बोलते हैं कि भगवान ऊपर है, मगर मैं बोलता हूँ कि भगवान नीचे हैं। अगर सही में अगर मानव सेवा करना है तो अगर इनकी अगर आदमी सेवा कर ले तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भगवान के पास आपको आने की जाने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ जब भी आता हूँ तो एक नॉर्मल व्यक्ति यहाँ पर बनकर आता हूँ, और अभी हम लोग ये 7वां आश्रम है जहाँ पर अभी हम लोग इस तरीके का राशन और इस तरीके का हम लोग देखभाल कर रहे हैं। और जितने भी आश्रम है अभी रायपुर शहर में, हमने सभी को बोला है कि अगर आपको किसी भी चीज की आवश्यकता पड़ती है तो आप सबसे पहले नगर निगम को याद करें। हम ऐसी जगह के लिए, हम सब प्राथमिकता में सबसे बड़ी प्राथमिकता ये जगह रहेगी, जिनका कोई नहीं है उनका हम लोग हैं। अभी यहाँ पे आप पहुँचे हैं, क्या स्थिति है इन लोगों की? अभी सबके तबीयत ठीक है? सभी की तबीयत अच्छी लग रही है, सब लोग वो भी लग रहे हैं, मगर कुछ लोग भावुक भी हैं। कुछ लोग जैसे महिला हमी को अपना बेटा समझ लिया और बोली मेरी माँ को खबर कर देना, मेरी बड़ी माँ अभी तक आई नहीं है। तो ऐसे लोग भी हैं जो लोग अपनी याददाश्त हो बैठे हैं, या फिर जिन लोगों को वो नहीं है, बाकी ये सब नॉर्मल लग रहे हैं, अच्छा खा पी रहे हैं, इनके खाने के बारे में पूछा, खा रहे हैं पी रहे हैं, सुबह नाश्ते में पोहा मिलता है, दोपहर में भी दाल चावल सब्जी दही मिलता है, रात में दूध मिलता है, फ्रूट मिलता है। तो ये अच्छा, जो लोग सेवा कर रहे हैं बढ़ते कदम, ये भी मतलब सैल्यूट है भाई, ये लोग को भी क्या अच्छी सेवा कर रहे हैं। महापौर वृद्ध आश्रम से निकलने के बाद नगर निगम के कार्यालय पहुंचते हैं। दस्तावेजों फाइलों का काम देखने के बाद जरूरी सेवाओं को लेकर कर्मचारियों से चर्चा करते हैं। आवश्यक काम से आने वाले लोगों की समस्याओं को लेकर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी देते हैं। यह सिलसिला रोज का है जिसे वे आगे बढ़ाते हैं। लेकिन कोरोना संकट के बीच राजधानी में एक और संकट इन दिनों गहराया हुआ है। यह संकट है पीलिया का। पीलिया से लोगों को बचाने की जद्दोजहद में भी महापौर पूरी गंभीरता के साथ जुटे हुए हैं, लिहाजा वे पीलिया प्रभावित वार्डों का भ्रमण करने के साथ साथ उन पानी टंकियों का स्वयं ही निरीक्षण कर रहे हैं जहां से पानी की सप्लाई बस्तियों में हो रही है। महापौर ने बहुत तेजी के साथ पीलिया की समस्या पर एक्शन लिया है। नतीजा यह हुआ कि कुछ अधिकारियों पर गाज गिरी,
और पानी टंकियों की सफाई के साथ ही पाइपलाइन को दुरुस्त कराने का काम भी हुआ है। पीलिया को लेकर क्या प्रयास किए जा रहे हैं इस वक्त हमारे साथ महापौर हमारे साथ मौजूद हैं। आप ये पानी टंकी देख सकते हैं, इनके निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं। लगातार वो पानी टंकी और जो वाटर फिल्टर प्लांट है उसके निरीक्षण कर रहे हैं और वहां पे खामियों को पकड़ कर तत्काल आदेश दे रहे हैं कि वो कैसे उसका निस्तारण हो। आपसे हम जानना चाहेंगे पीलिया, कहीं ना कहीं हम कोरोना को लेकर बात करें तो एक और हम हासिल कर रहे हैं, पीलिया में कहीं ना कहीं पीछे दिखाई दे रहे हैं, क्या कारण है? देखिए पीलिया में भी हम पीछे नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैंने पहले कहा कि पीलिया की अभी कहीं जांच चल नहीं रही है, पीलिया की जांच सिर्फ एक ही जगह चल रही है जिला हॉस्पिटल में, इसलिए हमको ये संख्या बहुत अधिक दिख रही है। और जहां तक कि पीलिया की बात है तो कहीं ना कहीं फिल्टर प्लांट में हमारे अधिकारियों से चूक हुई है, उसी कारण से ये नतीजा है कि जो पीलिया जो हुआ है बहुत कुछ पानी से हुआ है अगर हम आंकड़ों की बात करेंगे, और कुछ बहुत कुछ दूषित भोजन से हुआ है। हम पीलिया के लिए जो बेसिक जो चीज थी, फिल्टर प्लांट को चेंज करने का था, फिल्टर बेल्ट को चेंज करने का था, रेत को चेंज करना था, नाले को डाइवर्ट जो है, जो बड़े बड़े नाले हमने उनको डाइवर्ट कर दिया, हमने लाइन उठा दी जो वहां पर नीचे नाली से जो लाइन जाती है पानी की, हमने उसको उठा दिया। क्लोरीन हर घर घर में 4 लाख करीब क्लोरीन गोली बढ़ गई है। उसके अलावा हमारे सजगता वाला काम है, हम लोगों को जाके अवेयरनेस भी कर रहे हैं कि आप गर्म पानी पिए, पानी आप जब भी पीते हैं अगर गर्म करके पानी पिए। तो पीलिया से भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और 3-4 दिन में मैं आपको बता रहा हूँ कि पीलिया पूरी तरीके से रायपुर शहर में जिस तरीके से पैर बाहर करा था, पूरी तरीके से उसका पैर हम बाहर वापस कर देंगे उसका। देखिए मैं अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं वो हम ठोस काम कर रहे हैं, अभी जो हम काम कर रहे हैं वो बेसिक काम कर रहे हैं जो पहले मेरे ख्याल से कर लेना था। अभी जब होने के बाद मुझे लगता है कि पीलिया पूरी तरीके से रायपुर में खत्म हो जाएगा, खाली यही है हमको सावधानी बरतने की जरूरत है। मैं बोलता हूँ पीलिया अगर नहीं भी है तो आप अपने घर में गर्म पानी पीने में कोई तकलीफ तो नहीं है, गर्म पानी करके पानी को पिए। और मैं ये आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि आने वाले साल में पीलिया के मरीज बहुत कम मात्रा में हुए तो हुए वो दूषित भोजन से होंगे, दूषित पानी से नहीं होंगे। महापौर का काफिला आगे बढ़ा, वे इस बीच शहर के कई स्थानों पर रुकते, लोगों को जागरूक करते, गाड़ी से उतरकर पैदल चलते, कोरोना संकट के विषय बताते और समझाते भी दिखे। यही नहीं वे निगम के अपने कर्मचारियों के साथ जूझते भी दिखे। उन्होंने दमकल विभाग के कर्मचारियों के साथ शहर को पूरी तरह से सैनिटाइज करने का बीड़ा उठाया। जब तक शहर पूरी तरह से सैनिटाइज नहीं हो गया वे स्वयं ही कर्मचारियों के साथ डटे रहे। कुछ इस तरह से राजधानी रायपुर के महापौर सिर्फ काफिला में नहीं चलते बल्कि जरूरत पड़ने पर अपने कर्मचारियों के साथ मोर्चे पे डट जाते हैं। ये नजारा है राजधानी रायपुर का और हमारे साथ हैं महापौर एजाज जेबर। जो सैनिटाइज शहर सैनिटाइज किया जा रहा है, काफिला निकाले गए हैं, हालांकि इनके गाड़ी काफिला के सामने में है लेकिन महापौर इस वक्त सैनिटाइज गाड़ी के ऊपर में फायर ब्रिगेड की गाड़ी जिसे शहर को सैनिटाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और वो इस पल शहर को सैनिटाइज करने हुए और कर्मचारियों की हौसला बढ़ा रहे हैं कि हम उनके साथ हैं। महापौर जी, आप ये सैनिटाइज मशीन का कमान संभाला है, क्या कहेंगे इसको लेकर? हमारा इतना बड़ा काफिला चल रहा है, इसमें बहुत सारे कर्मचारी, कम से कम 100 से 150 कर्मचारी इसमें अभी काम कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कहीं मेरे को जाके ये लोग का मनोबल बढ़ता है। और जब कोई कैप्टन जब किसी टीम के साथ जाके खेलता है या उनके साथ बराबर जाके बराबर खेल को खेल खेलता है तो इनका भी मनोबल बढ़ता है। रात हो चुकी है, जितना कोरोना का खतरा है उतना यहाँ भी खतरा है, कभी भी बिजली के झटके लग सकते हैं, पेड़ पौधे के डंगाल में चोट लग सकते हैं, इसका आपको अनुभव नहीं है? देखिए इसके पहले भी हम लोग कई बार हमने नीचे में किया है सैनिटाइज, जहाँ जहाँ कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे मैं वहाँ खुद मैंने सैनिटाइज किया है। जब वहाँ डर नहीं लगा तो यहाँ कोई डर नहीं, यहाँ भी कोई डरने की बात नहीं है। हम लोग अभी पूरी तरीके से यहाँ पर बच के चल रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि एक बार पूरा शहर सैनिटाइज हो जाए तो जो हमारे मन में जो संतुष्टि है कि पूरा शहर सैनिटाइज हो गया, अब कोरोना से बिल्कुल डर रायपुर को नहीं है, ये बात हमारे मन में भी आना चाहिए। यही इसीलिए हम लोग पूरे शहर को सैनिटाइज करके पूरे शहर को दवा से छिड़काव कर रहे हैं। देखिए मैंने पहले कहा ना कि मैं शहर का प्रथम व्यक्ति हूँ और यदि मैं पूरे शहर की जवाबदारी, शहर की जो उनकी भली भांति जो शहर के प्रथम व्यक्ति को करना चाहिए
वो मैं कर रहा हूँ, मैं अपनी जवाबदारी पूरी तरीके से निर्वाह कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा रायपुर शहर पूरे तरीके से सुरक्षित रहे। आपने महापौर को सुना, जिनका साफ कहना है कि अगर उनका कैप्टन ही अगर घर बैठता है तो अगर युद्ध के जंग है, जंग के मैदान है, यहाँ जंग में कप्तान ही गायब रहेगा तो सिपाही कैसे जंग लड़ेंगे, उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ अगर मैदान पे कैप्टन साथ में खेले या यहाँ पे इनका जो काफिला निकला है उसमें अगर मोर्चा संभाले महापौर तो कहीं ना कहीं काम बेहतर तरीके से होगा और इसका परिणाम बेहतर आएगा और इससे जो कर्मचारियों का भय के बीच काम कर रहे हैं उनका मनोबल जरूर बढ़ेगा। तो ये मनोबल बढ़ाने के लिए और अपने जिम्मेदारी निभाने के लिए आज हर मोर्चे पर महापौर कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, जबकि बार बार हिदायत दी जा रही है लोगों को वर्क फ्रॉम होम करें, अधिकारियों घर से काम करें, लेकिन जनप्रतिनिधि होने के नाते ये अपने जिम्मेदारी बखूबी निभाते दिखाई दे रहे हैं। और आप दिन भर के एक उनके काम को देखकर समझ सकते हैं कि जो ये सुबह से शाम तक तो उनके काम जो सामने आए उसे देख कर समझ सकते हैं कि आप जो जनप्रतिनिधि अपने हित के लिए चुनकर भेजा है वो किस तरह से जिम्मेदारी निभा रहे हैं या नहीं। महापौर की ड्यूटी यहीं समाप्त नहीं हुई, वे इसके बाद भी काम में जुटे रहते हैं। वे इस दौरान कर्मचारियों का भी पूरा ख्याल रख रहे हैं, विशेषकर उनका जो इस कोरोना संकट की घड़ी में फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं। इसमें फिर चाहे दमकल विभाग से जुड़े कर्मचारी हों या फिर सफाई कर्मचारी, उनके लिए सुरक्षा की पूरी व्यवस्था के साथ खान पान से लेकर हर प्रकार का ध्यान महापौर निजी तौर पर रख रहे हैं। इस बीच उनको यह भी ध्यान नहीं रहता कि घर भी जाना है, रात बहुत हो चुकी है। घर पहुँचने के बाद वे अपने परिवार से बिल्कुल अलग ही रह रहे हैं। महापौर ने सोशल फिजिकल डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखा है। वे बीते 2 महीने से अपने परिवार के सदस्यों के साथ वक्त नहीं बिता रहे हैं, उनसे दूर रहते हैं ताकि किसी भी तरह का कोई बुरा प्रभाव परिवार वालों पर ना पड़े। यह एक तरह से परिवार वालों के होम क्वारंटाइन की तरह ही है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि महापौर के परिवार वाले क्या सोचते हैं। हमने एजाज घेवर की पत्नी और उनकी बेटी से बात की। इस वक्त हम उनके फैमिली के साथ हैं और रात के लगभग 9 बज गया है और वो भी घर पहुंच गए हैं। तो इस तरह वो कैसे उनका क्रियाकलाप है आपके सामने रखते हैं, उनकी फैमिली है, उनकी पत्नी है और उनकी बिटिया। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपको फोन आता होगा कि हम घर आने वाले हैं तो किस तरह से आप सावधानी बरतते हैं? देखिए, पहले तो ये घर में आते साथ नीचे पहले गर्म पानी से हाथ मुंह धोते हैं अपना, उसके बाद जहाँ पे वो सोफे पे बैठते हैं उसको हम सैनिटाइज करके उसको डेटोल से धुले हुए कपड़े से साफ करते हैं। जैसे सब मिलके खाना, जो पहले 1 महीने से पूरा रूटीन चेंज हो गया है, जो मिलके खाना खाते थे डाइनिंग टेबल पे एक साथ, आते साथ अपनी बिटिया से पहले मिलते थे वो गले, अब वो सब 1 महीने से हम लोग को बोलते ना, मतलब लोगों को कुछ अच्छा दिलाने के लिए वो अपने फैमिली को थोड़ा दूरी करके वो अपना सेफ, खुद भी सेफ रह रहे हैं और हमको भी सेफ रखना चाह रहे हैं। हाँ, ये है कि पहले से अजीब लगता है क्योंकि उनके साथ मतलब एकदम खुल के बात करना या एकदम साथ में जाके बैठना या उनके साथ खाना खाना, ये सब अवॉइड हो गया 1 महीने से। तो कैसे बातचीत होती है आपको? भाई एक परमानेंट आदत है कि साथ में रहना, बातें करना, शाम को जैसे काम से आ गए कभी टेंशन होता है कभी मूड अच्छा होता है, तो इन सब बीच में अभी कैसे आप मैनेज कर रहे हैं घर का? अभी 1 महीने से तो पूरा चेंज हो गया भैया। पहले कब आपको बताया ना, अपनी मम्मी से आके गले मिलेंगे, अपनी बिटिया से आके गले मिलेंगे, अब वो सबसे हम लोग को भी उनको याद दिलाना पड़ता है, उनको ध्यान है कि मेरे को दूर रहना है। शुरू में बहुत अटपटा लगता था, अरे यार ये तो एकदम दूर दूर रह रहे हैं, लेकिन हम लोग सोचे नहीं, उनके लिए भी सेफ है हमारे लिए भी सेफ है। खाना भी डाइनिंग टेबल पर नहीं खिला रहे हैं, हम उनको अपने साथ में हॉल में अलग से टेबल पर दे रहे हैं, वो अपना अलग से खाना खाते हैं, बिस्तर भी उनका अलग रखा हुआ है। आके पहले वो हालांकि वो फ्रेश हो जाते हैं, आते साथ वॉशरूम में जाके सैनिटाइज करके हाथ फ्रेश होके कपड़ा चेंज कर देते हैं, उनके कपड़े को हम अलग से डिटोल में धुलवाते हैं गर्म पानी में, हल्के से कुनकुने पानी में, बहुत तरीके से जितना बनता है हम अपनी सेफ्टी ले रहे हैं। लेकिन उनको एक जो बोलते हैं ना जुनून सवार है, मतलब वो चाहते हैं कि सेकेंडरी है मेरी फैमिली, पहले मेरे नागरिक, मैं जो फर्स्ट नागरिक हूँ रायपुर का, मेरी जवाबदारी ज़्यादा है, इसलिए पब्लिक में प्लेस के लिए हूँ मैं, पब्लिक मेरे लिए फर्स्ट है, सेकंड मेरी फैमिली है, इसलिए वो खुद से अपन लोग से ज़्यादा अपनी जनता की चिंता करते हैं और उनके लिए बहुत काम करना चाहते हैं, इसलिए वो खुद को भी सेफ रखना चाहते हैं और हमको भी सेफ रखना चाहते हैं। कोरोना के चक्कर में दूरियां बढ़ गई हैं,
आगे भी जन्मदिन है, उसके बाद वर्षगांठ है शादी की, तो इसके लिए क्या कुछ प्लानिंग है दूर दूर रह के कैसे इसका? नहीं, बोलते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, जैसे जनता की सेवा अगर उनको पानी है तो अपने परिवार को थोड़ा सा उनको ये बलिदान देना पड़ेगा कि देखो शादी को 18 साल हो गए हैं, उनका जन्मदिन और शादी की सालगिरह दोनों एक ही दिन आता है तो डबल खुशी मनाते हैं, लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि जरूरी नहीं है कि हम हर चीज में दिखावा करें, दिल में जो प्यार है वो ज्यादा काफी है, इसलिए बार हम लोग बहुत सावधानी से हर चीज को करेंगे, बस यही है कि वो अच्छे से रहें और अच्छे से जैसे जनता की सेवा कर रहे हो करते रहें अपना। उनकी बेटियां भी साथ में हैं, क्या नाम है आपका? अक्षा। क्या करते हो आप? मैं स्टूडेंट हूँ, बायो। अच्छा। पापा जैसे आते थे पहले आपके, तो क्या कैसे रूटीन होता था आपका पहले की बात करें जब कोरोना नहीं था? शुरू से आदत थी, जैसे ही अब्बू आते थे मैं नीचे दौड़ के जाती थी और अब्बू को गले लगती थी, पहले से ही आदत थी, वो आते थे मुझसे मिलते थे, हम साथ में खाना खाते थे और हमेशा से आदत रही है कि जैसे ही अब्बू और मैं खाना खा लेते थे उसके बाद साथ में वॉक को निकलते थे, दिन भर तो अब्बू बिजी रहते थे अपने पॉलिटिक्स में अपने काम में, पर रात को एक आदत थी कि उनके साथ रहना, उनके साथ मस्ती करना, उनके साथ थोड़ा सा वक्त बिताना, पर अब वो बहुत ही ज्यादा चेंज हो गया है, आते साथ ही मतलब हमसे नहीं मिलके पहले वो अपने कपड़े चेंज करते हैं, खुद को सैनिटाइज करते हैं, नहाते हैं, अलग खाते हैं, दूरी बना के रखना, इवन अगर हम एक हॉल में बैठे हैं तो पापा दूसरे सोफे पे और हम दूर बैठे हैं, और जिस तरीके से फ्री रहती थी मैं अपने अब्बू से, करीब एक महीना हो गया मैंने उनसे गले भी नहीं मिला है, तो वो दूरी बहुत खटकती है कि पहले नहीं था और अब हो रहा है अचानक, उनको ऐसा है कि अगर मैं रिस्क ले रहा हूँ तो मैं अपनी फैमिली को रिस्क में ना डालूँ, मुझे लोगों के लिए काम करना है बट उससे मैं अपनी फैमिली को भी दूर रखूँ ताकि वो इफेक्ट ना हो। कोई कुछ अच्छा काम करता है तो उसकी फैमिली के सहयोग उनको बहुत ज्यादा जरूरती है, उसके परिवार किस तरह से सहयोग दे रहे हैं? पापा आपके जो पूरा जनता के लिए काम कर रहे हैं वो अपने पहले नागरिक होने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आपको कैसे लगता है चूंकि आपके सारी दूरियां बढ़ गई हैं, आपके क्रियाकलाप खत्म हो गए हैं यहाँ पे? मेरी दूरियां बढ़ गई हैं उससे ज्यादा मुझे ये खुशी है कि मेरे अब्बू अपनी मतलब मेरे पापा अपनी लाइफ रिस्क पे डाल के लोगों के बीच में जा रहे हैं, इवन वो एरियाज भी कवर कर रहे हैं जहाँ पेशेंट्स मिले हैं, कोरोना के साथ पीलिया भी आया है, उन अपने अब्बू अपना 100% दे रहे हैं लोगों को ठीक करने में, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे, तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम, मुझे बहुत प्राउड होता है कि मैं उनकी बेटी हूँ, मैंने उनको देखा है जुनूनियत से सुबह 6 बजे निकल के रात को 12 बजे थक के आते हैं, फिर भी वो मॉर्निंग 6 बजे निकल ही जाते हैं कि नहीं मुझे लोगों के लिए करना है, मेरी जिम्मेदारी है, लोगों ने मुझे चुना ये काम करने के लिए, मुझे बहुत प्राउड फील होता है। ये दूरियां कुछ ही टाइम की हैं, जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं रायपुर जल्दी ठीक हो जाएगा, फिर तो ये दूरियां मिट जाएंगी। तो अभी आपने उन लोगों को सुना जो पहले साथ में एक साथ बैठ के खाना खाते थे, एक साथ बैठ के एंजॉय करते थे, खेलते थे, लेकिन ये परिवार की दूरियां कोरोना वायरस को लेकर बढ़ गई है क्योंकि महापौर एजाज ढेबर अपने जिम्मेदारी निभाते हुए पूरे दिन शहर की जनता को सुरक्षित रखने के लिए, उनको कोरोना वायरस से दूर रखने के लिए काम करते हैं और वहीं अपने परिवार के लिए भी समय नहीं निकाल पा रहे हैं। कोरोना वायरस की समस्या कहीं राजधानी रायपुर की बड़ी समस्या न बन जाए, इससे लेकर महापौर हर मोर्चे पर बेहद सजग दिख रहे हैं। लाखों की घनी आबादी वाले रायपुर को बचाने महापौर ने निगम प्रशासन के साथ साथ व्यक्तिगत तौर पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यही वजह है कि आज की तारीख में नगर निगम रायपुर क्षेत्र में एक भी कोरोना केस नहीं है, जबकि रायपुर मुंबई हावड़ा रूट का सेंटर है। रायपुर दूसरे राज्यों के मजदूरों के लिए बेस कैंप भी है। झारखंड, यूपी, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के मजदूर रायपुर में ठहर कर ही अपने घर को जा रहे हैं, लिहाजा महापौर हर कदम पर बेहतर से बेहतर व्यवस्था देने की कोशिश कर रहे हैं। प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन की व्यवस्था, आश्रय स्थल का इंतजाम करवाया जा रहा है, तो वहीं गरीबों को राशन दिया, मास्क और सैनिटाइज भी बंटवाया है। सच में महापौर ने अपनी जिम्मेदारी बहुत बखूबी निभाई है। कैमरामैन जगन्नाथ रेखराम और श्याम के साथ सत्यपाल सिंह राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।